तो संजीव जी, हमारे किसान साथियों को एक बात आइएगा कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या आती है बेचने में। अगर आपने बेचने की समस्या का समाधान कर लिया, उसके बाद सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो आप कैसे जो हार्वेस्टिंग है वो कैसे करते हो, वो बताइए एक बार हमारे किसान साथियों को। जी सर, ऐसा है, इसको बेचने में झींगा को कोई भी फार्मर को 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे मेन बात है कि हमें अपने खेत से एक स्टेप भी बाहर नहीं लेना बेचने के लिए इसे। ओके, क्या है कि जो भी बायर है वो हमारे पास अपने आप आएंगे। जो इसके मेनली बायर है वो आंध्रा से आते हैं। अच्छा। और हमसे आके डीलिंग करते हैं। हमारे पास कई बायर के फोन होते हैं, या फिर हमारे जो यहाँ पे एजेंट है उनके साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो वो अपने ही फार्म पे आएंगे और हमें अपना जो भी उनका बेस्ट रेट होगा वो हमें देंगे। वो हमारे ऊपर है कि भाई हम किस रेट में उनको देते हैं। अगर डीलिंग होती है तो उसी के बाद वो यहाँ पे अपने जो है गाड़ी लगाते हैं और जो है हार्वेस्ट का काम फिर स्टार्ट होता है। अच्छा, जैसे कि ये गाड़ी है, ये आपकी खुद की गाड़ी है या फिर जो हार्वेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं बायर, उनकी खुद की गाड़ी है ये? नहीं सर, ये गाड़ी जो है वो बायर अपना खुद लेके आता है। हमें सिर्फ एक नेट का यहाँ पे जो हार्वेस्ट के टाइम होता है नेट की कॉस्टिंग वो हमारी होती है। बाकी सब जो पैकिंग का है, सब लेबर उनका होता है, सब वो पैक अपने आप करते हैं और गाड़ी उनका होता है, ट्रांसपोर्ट का वो अपने आप पे करते हैं। मतलब उसके हमें, मतलब एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि हमारे किसान साथियों को खेत से ही बेच सकते हैं, मार्केट में उठा के लेके जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं ना कहीं। जी सर बिल्कुल, हमें इसमें ये कोई नहीं है कि हमें इसको मंडी में लेके जाना पड़ेगा या हमें और कोई प्रॉब्लम होगी। हम जहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे हैं बायर वहीं पे आएगा और वहीं पे हम इसको सेल कर सकते हैं। सबसे पहले ये सबसे अच्छी बात आपने बताई हमारे किसान साथियों को। अच्छा, एक बात आइएगा, जब बायर यहाँ पे आते हैं तो कैसे इसका, अगर हम बात करें कि किस तरह से वो हार्वेस्टिंग के बाद कैसे काउंटिंग होती है, ये पर किलो के हिसाब से बिकता है या पर पीस के हिसाब से बिकता है, कैसे क्या रेट लगता है वो बताइए हमें एक बार। जी सर, सबसे पहले जो सबसे पहले बायर आता है वो सर हमारे यहाँ पे क्वालिटी चेक करता है झींगे की। क्वालिटी चेक करने के बाद, क्वालिटी का मतलब क्या, एक तरह से क्वालिटी का मतलब सर कि हमारा बच्चा जो है वो लूज ना हो, कोई झींगे में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका गिल चौक नहीं है, ऐसा कई इसमें प्रॉब्लम होती है, बीमारी ना हो कोई, कोई इसके बीमार ना हो वो। अच्छा, ताकि उसको आगे सेल करने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मतलब बीमारी और वेट भी, क्या वेट भी जरूरी होता है उसके लिए क्वालिटी में? बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी में वेट मायने रखता है बिल्कुल, वो एक फार्मर के लिए बहुत जरूरी है ताकि एक स्वस्थ झींगा हो, जितना वो स्वस्थ होगा उसका वेट उतना ही अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बाद जो बिकता है वो पर काउंटिंग के हिसाब से कैसे बिकता है वो बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। जी सर, ये काउंटिंग के जो रेट मिलता है इसका वो काउंटिंग के हिसाब से होता है। जैसे कि 1 kg का अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें कि 1 kg में हमारे कितने पीस उसमें आ रहे हैं, ठीक है, 30 पीस है, 40 पीस है, 50 पीस है, तो हर काउंटिंग का रेट अलग होता है। अच्छा, मतलब 1 kg में कम पीस है तो प्राइस ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पीस है तो प्राइस ज़्यादा मिलता है? सर ऐसा है, जितना हमारा झींगा 1 kg में कम आएगा, हाँ, मतलब कि जितना काउंट हमारा कम होगा हमें उतना ही ज़्यादा इसका रेट मिलेगा। अब जैसे कि आज जैसे हम जो देख पा रहे हैं कि अभी जो आपने काउंटिंग की थी, आपने जब इसको इसका वेट किया था, तो वेट करते हुए 1 kg में लगभग 70 के आसपास पीस आए थे। जी जी, तब जी। इसका प्राइस कितना मिलने वाला आपको? इसका सर ऐसा है, जैसे कि रेट स्टार्ट होता है 20 count से। अच्छा, 20 count का जैसे रेट होता है सर अबव 600। Okay. उसके बाद होता है कि 30 count का उसका रेट रहता है सर यही एग्जांपल 480 के आसपास। 480, तो इसी किसी तरह से, इस तरह से हमारा काउंट बढ़ेगा तो उसी तरह से रेट डाउन आता रहेगा। अच्छा, मतलब अगर जितना ज्यादा काउंट है उतना अच्छा प्राइस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल किसान साथियों को। अच्छा, अगर वेट जो काउंटिंग है वो ज्यादा है, जैसे अभी अगर हम बात करें 1 kg में अगर 150 तक की काउंटिंग आए तो उसका प्राइस का कितना डिफरेंस होगा? 1 kg में 20 की काउंटिंग और 1 kg में 100 की काउंटिंग है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वेट सेम है, दोनों का डिफरेंस सर ऐसा है कि वेट का इसमें मायने नहीं रखता, मेन होता है काउंटिंग का। तो उसमें रेट में ये होगा सर 250 से 300 तक का गैप उसमें रहेगा। मतलब अगर 1 kg में 20 पीस है और 1 kg में 100 पीस है तो इतना गैप उसमें रहेगा। का जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर ज्यादा मायने रखता है वो बताइएगा, समय के अनुसार या फिर जो फीड खिलाया जा रहा है उसके अनुसार का जो आता है वेट का डिफरेंस इतना? सर इसमें मेनली होता है कि हम झींगे की ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ उसने कितना किया है, अच्छे से फीड खाया है नहीं खाया, टाइम पीरियड जितना टाइम पीरियड उसने लिया है उस टाइम पीरियड के हिसाब से उसने ग्रोथ किया या नहीं किया, ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है बेचते हुए। मतलब अच्छा, सबसे मेन बात यही है कि वेट ज़्यादा होना चाहिए एक पीस का, तभी आपको अच्छा भाव मिलने वाला है। अच्छा, आप एक बताइएगा, जैसे एक जो अभी जो कल्चर आपने उठाया है, अभी एक साल में किसान कितने कल्चर उठा सकता है, आपने कितने उठाए हैं आप अपनी बताइएगा? सर हमने इस साल 2 culture उठाए हैं, अभी जो ये हार्वेस्टिंग चल रही है, अभी ये सेकेंड कल्चर का चल रहा है, इससे पहले हम 1 culture ले चुके हैं। अच्छा, जैसे मैंने आमतौर पर यही देखा है कि झींगा में जो किसान साथी हैं वो एक ही कल्चर उठाते हैं। ओके, अप्रैल से लेकर के लगभग अगस्त या सितंबर के महीने तक का आपने 2 culture उठाए हैं, पहले कल्चर में कितना जो आपने एक तरह से
कितना वेट लिया था, और इस बार एक तालाब से, एक एकड़ की जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, एक एकड़ में पहले कल्चर में कितना वेट उठाया, कितना आपने झींगा की हार्वेस्टिंग की थी और इस बार कितनी की है? अगर सर हम एक एकड़ का एग्जांपल लेके चले तो हमारा 3 से 3.25 टन का यहाँ पे एवरेज आया था पिछली फर्स्ट कल्चर का, फर्स्ट कल्चर निकाला था, और जो अभी उसके बाद हमने सेकंड कल्चर डाला है और उसमें जो वेट लिया है अभी एवरेज आ रहा है 2 टन का एवरेज आ रहा है सेकंड कल्चर का। अच्छा ओके, मतलब जैसे पहले किसान साथी एक ही कल्चर उठाते थे, अब 2 उठाए हैं, तब आप एक बताइएगा कि मुनाफे का, जैसे आपने पहले दूसरी खेती भी की है, ट्रेडिशनल खेती से कितना बेटर मानते हो? उससे बहुत ज़्यादा बेटर है सर, ये बहुत ही ज़्यादा, और इसमें 2 कल्चर लेने का मतलब है सर डबल प्रॉफिट, किसान को डबल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मतलब पैसे हम लगा चुके हैं, बिल्कुल बना चुके हैं। हाँ, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो हमने सिर्फ फीड और सीड का जो है इलेक्ट्रिसिटी का यही हमारा खर्चा है, उसके अलावा हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा इसमें नहीं है। मतलब एक किसान साथी 2 बार हार्वेस्टिंग उठा सकता है, बिल्कुल, और फायदा कमा सकता है। अच्छा संजीव जी, हमने अभी ये देखा था कि कुछ झींगा आपने उठाया था, कुछ झींगा बायर ने उठाया था, और उसको टोटल 2.5 किलो तोला था अलग से, 5 किलो की काउंटिंग की थी, उसका क्या रीजन था अलग अलग उठाने का? उसका सर रीजन ऐसा रहता है कि जैसे हम 5 किलो की जो है वेट करते हैं पहले, फिर उसमें से काउंट निकालते हैं, उसमें से जो बायर है वो ये सोचता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा काउंट आए ताकि उसे कम से कम रेट में वो मिल सके, ठीक है, और जो फार्मर है वो ये सोचता है कि उसमें कम से कम काउंट आए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसे ले सके, प्रॉफिट ले सके। ये किसका रीजन रहता है काउंट निकालने का? और 2.5 किलो का मतलब है कि उसमें दोनों को इक्वल मिलता है, मतलब 2.5 किलो, हाँ, आधा उसने उठाया, आधा मैंने उठाया, उसके बाद उसको टोटल 5 किलो तोला, 2.5 किलो आपने, 2.5 किलो उसने, 5 किलो तोल के फिर उसकी काउंटिंग की, जी, और काउंटिंग के हिसाब से फिर उसके बाद उसका प्राइस तय होता है, प्राइस तय होता है, ठीक है। अच्छा एक बात आएगा हमारे किसान साथी, जैसे आपने बताया हमें कि 20 का अगर काउंट है, 1 किलो में 20 का काउंट आया है, 20 झींगा 1 किलो के अंदर आए हैं, तो उसके बाद अगर तो उसका प्राइस तो आपने बता दिया 650 है जी, अगर 1-2 ऊपर हो या 1-2 नीचे हो तब उसके बाद कैसे उसका वेरिएशन किया, कैसे उसका प्राइस तय किया जाता है? इसमें सर ऐसा रहता है जब हम बायर से डीलिंग करते हैं तो उस टाइम रेट के साथ साथ प्लस माइनस तय होता है कि अच्छा। अगर आपका काउंट 1 ज़्यादा होगा तो उसमें 8 रुपये बढ़ेंगे, 1 काउंट कम होगा तो 8 रुपये घटेंगे, अच्छा ऐसा कुछ इसमें लेवल रहता है, और वो हर काउंट का अलग रहता है। अगर हमारा 30 काउंट में मोस्टली रहता है 8+ और 8-, 40 काउंट में 5 रुपीज़+ और 5-, तो जितना हमारा काउंट बढ़ेगा ये प्लस माइनस का रेट जो है उतना ही कम होता जाएगा, ठीक। मतलब सबसे मेन चीज़ यही है कि काउंट, सारा खेल सिर्फ काउंट का है कि आपका एक झींगा कितना स्वस्थ है, कितना उसके अंदर वेट है, तभी आपको अच्छा प्राइस मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका काउंट का जो इसमें है सबसे मेन रोल रहता है हार्वेस्टिंग के टाइम, और जितना हमारा काउंट अच्छा होगा उतना ही हमें रेट अच्छा मिलेगा। तो किसान साथियों, अभी हमने बात की थी संजीव जी से, जो फार्मिंग करते हैं झींगा की। अभी हमारे साथ बायर हैं, बायर की तरफ से हैं सिंटू जी। सिंटू जी पहले एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा पर हमारे दर्शकों के, आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ पे कैसे आए हो? हम लोग आया था वेस्ट बंगाल से आया था। स्टेट कौन सा आपका? कलकत्ता से। अच्छा आप कलकत्ता से यहाँ पे आए हो झींगा खरीदने के लिए। अच्छा आप एक बात आइए कि आप बीच में डीलर की तरह काम करते हो या फिर डायरेक्ट बायर की तरफ से आए हो? हम डायरेक्ट बायर से आए हो। अच्छा अगर कोई किसान किसी एजेंट के थ्रू बात करता है और डायरेक्ट बायर से बात होती है तो दोनों में क्या कमीशन का डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अब जैसे इन्होंने डायरेक्ट आपसे बात की थी तो उसका फायदा इनको ज्यादा होगा या नहीं होगा, या बायर के थ्रू किसी एजेंट के थ्रू बात करें तब इनको नुकसान होगा या फायदा? कुछ तो फायदा होगा। अच्छा मतलब अगर डायरेक्ट बात करते हैं तो फायदा है ना? डायरेक्ट जो रेट है वही रेट होगा, जो बीच में जो आएगा एक एजेंट उसके तो कुछ देना पड़ेगा, उसको कुछ डेफिनेटली देना पड़ेगा। हम आपकी बात समझ सकते हैं। अगर कोई किसान साथी 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ में करता था, क्या आप उसके पास भी जाते हो खरीदने के लिए? ना वो हम डायरेक्ट फोन करता है, आपको डायरेक्ट फोन करता है। कुछ बात में जो सामने मिडिलमैन आता है, कुछ जगह मिडिलमैन आता है हाँ। वो हमको फोन करता है हाँ। ये एक झींगा है 20 काउंट, लेकिन 20 काउंट, 30 काउंट, 25 काउंट, 50 काउंट होता है, हम एक रेट देता है। अच्छा मतलब एक तरह से जो हम किसान, अभी हमने जो बताया था किसान साथियों के, जैसे संजीव जी ने जो हमें एक्सप्लेन किया कि एक एकड़ में
एक किले के अंदर जो झींगा है उसकी काउंटिंग कितनी है, यही बता रहे थे कि काउंटिंग 20 की है, 30 की है, 50 की है, तभी प्राइस तय होता है। अब कोई किसान साथी जिसके पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उसने झींगा किया है, अगर आपको फोन करे क्या उसके पास भी खरीदने के लिए आप पहुंचते हो डायरेक्ट? मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी कितने तालाब में वो फार्मिंग होनी चाहिए तब आप उसके पास अप्रोच करते हो? एक एक तालाब में 2 टन 3 टन निकलता है। हाँ, निकलता है एक एक। तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी रखते हो आपके, अगर किसी किसान साथी के पास 1 एकड़ की जमीन है, बस एक किसान के पास एक तालाब है और उसमें 2 से 2.5 टन अगर झींगा है, क्या उसके खरीदने के लिए भी आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट? हाँ, तो देखिए किसान साथियों, सबसे बड़ी समस्या आती है हमें बेचने की, यहाँ पे दोनों समस्या का समाधान हो रहा है। किसान जिसको बेचना था, जिसको हार्वेस्टिंग करनी थी, उसने डायरेक्ट बायर से बात की, और बायर जिसको खरीदना था वो आपके पास डायरेक्ट पहुँचा है, एक किसान के पास डायरेक्ट पहुँचा है। इसमें फ़ायदा दोनों का हुआ है कहीं ना कहीं, एक किसान जो है उसने उसको अच्छा भाव मिला, एक बायर है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं सस्ता मिला, मतलब बिचौलिए को पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि एक बिचौलिया आप खुद देखिएगा हर प्रति किलो के हिसाब से वो पैसे अपने तय करता है। यहाँ पे फायदा दोनों का हुआ, क्योंकि एक तालाब से लगभग 2 से 3 टन तक का भी कहीं ना कहीं उत्पादन होता है एक तालाब। इनके पास 31 एकड़ की जमीन थी, आप खुद देखिए कितना उत्पादन है, और प्रति किलो के हिसाब से एक बिचौलिया है वो प्राइस तय करता है। यहाँ पे फायदा दोनों का हुआ है। तो हमें एक बात कहिएगा संजीव जी, कि आपको जो डायरेक्ट बायर का नंबर हो कहाँ से मिला था? सर हमें ये नंबर F2DF के थ्रू मिला था, डायरेक्ट बायर का नंबर वहाँ से हमने मिला था, और वहीं से हमने डायरेक्ट कॉल किया और जो भी हमारे यहाँ डीलिंग हुई बायर से। बायर से देखिए किसान साथियों, हमारा यही उद्देश्य था, F2DF का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक जो किसान है उसके पास हम डायरेक्ट बायर को पहुंचा सकें। इसमें ना हमारा कोई कमीशन होता है, यहाँ पे हम सिर्फ दो किसानों की जो है आपस में उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करवा रहे हैं। इनका नंबर बायर के पास पहुंचा, बायर का नंबर इनके पास पहुंचा, दोनों ने आपस में बात की, डील फाइनल की। और यहाँ पे अच्छा एक बात आइएगा कि क्या आपने किसी को F2DF को या किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में किसी को कमीशन दिया है? नहीं सर नहीं, इसका जो बीच में बिचौलिया कमीशन लेता था उसका मुझे ही फायदा हुआ है, ताकि जब मैंने डायरेक्ट बायर से बात किया तो जो मुझे रेट था वो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला। जो बायर कमीशन बीच में देता था वो डायरेक्ट फार्मर को दे रहा है, ताकि फार्मर को प्रॉफिट हो। और 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की बात कर रहे हैं, फिर कैसे बात कर रहे हो? 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देख सकते हैं, 5 रुपये प्रति किलो की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 एकड़ की जमीन से लगभग 2.5 से 3 टन तक का उत्पादन होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि 1 एकड़ की जमीन है उससे कितने तक का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट फायदा किसान भाई को हो रहा है, किसान साथी को हो रहा है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है और यही हमने सोच के इस ऐप को बनाया था, इस वेबसाइट को बनाया था, ताकि फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर या फार्मर टू डायरेक्ट फैक्ट्री, एक किसान डायरेक्ट बायर तक पहुँचे, एक बायर डायरेक्ट किसान तक पहुँचे, दोनों आपस में डील करें, ताकि जो कमीशन है वो किसी और के पास ना जाके एक किसान साथी के पास ही रहे, उसके घर में जो उसने मेहनत की है उसका जो एक तरह से परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो किसान साथी के घर में ही रहे, उसको मिले, उस तक पहुँचे, ताकि एक किसान साथी सक्षम हो सके, अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है और इसी प्रयास के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे, ताकि जिससे आप फायदा कमा सको। किसी भी किसान साथी को अगर झींगा फिश फार्मिंग करनी है तो संजीव जी से बात कर सकता है, इनका फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनसे डायरेक्ट बात कीजिए कोई भी, कि आपको फीड कहाँ से लेना है, आपको सीड कहाँ से लेना है, और उसके बाद आपको कैसे हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे आपको पौंड तैयार करना है, वो सारी जानकारी ये देंगे आपको बिना पैसे लिए। आप इनके फार्म पे विजिट कर सकते हो, उसकी लोकेशन हम डाल के रखेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।